आप भी कान खोल के सुन ले, मैं रुतबा को तलाक दे रहा हूँ। कागजात और जेवरात तो हमने साथ लाई हो या नहीं लाई? प्लीज, पापा ने जो किया सो किया, तुम तो मेरी मोहब्बत की ऐसे इंसल्ट मत कर, तुम तो मेरी मोहब्बत का भरम रखो। जो मैंने तुमसे पूछा उस बात का जवाब दो, तुमने मेरी बात मानी है या नहीं मानी, वो चीजें साथ लाई हो या नहीं लाई? कुछ भी नहीं लाई, वो चीजें बाबा की हैं, बाबा के पास ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। तो इसका मतलब है कि इसका सही करी थी रुतबा, तुमने मेरी मोहब्बत को मेरी नजरों के सामने गिरा दिया। क्या बात है अल्तमश, कोई मसला है? मुझसे बात करो। क्या हो गया अल्तमश बेटा? ये मौका मेहर अली भाई की इज्जत का है। देखो कोई भी ऐसी हरकत मत करना कि भाई साहब की इज्जत या ना को ठेस पहुंचे। वो बड़े हैं तुमसे, तुम छोटे हो। तो मामू हो गए अपने मकसद में कामयाब आप? इसको मेरे खिलाफ कर दिया, लेकिन आप और खुशीद मिलकर भी ना मुझे झुका नहीं सकते। मैंने हमेशा वही किया अल्तमश जो मेरी बेटी की मफाद और बेहतरी में है। ठीक है, तो मैं भी वही करूंगा जो मुझे ठीक लगे। अपनी अना और तस्कीन की खातिर आपने वो किया ना जो आपको पसंद है, तो मैं भी वही करूंगा जो मुझे पसंद है। ऐसा जख्म दूंगा कि उम्र भर भूल नहीं सकेंगे आप। बकवास बंद करो बेहुदा इंसान, तुम इस काबिल नहीं कि मैं अपनी इकलौती बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दूं, उसके बावजूद उसको तुम्हारे हवाले कर दिया। भाई साहब, मेरा बेटा आपकी बेटी को ब्याहने आया और आप उसी को बेइज्जत कर रहे हैं। रौनक बिल्कुल ठीक कहती है कि भाई साहब का तो काम ही यह है भरी महफिल में लोगों की इज्जत उछाल रहा। क्या मजाक बना रखा है तुम लोगों ने, खत्म करो ये तमाशा। ठीक है मामू, फिर खत्म कर देते हैं ना। आप भी कान खोल के सुन ले, मैं रुतबा को तलाक दे रहा हूं। नहीं कर सकते। रुतबा मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तलाक देता हूँ। Thank you so much. Asking, John.